तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजय देवगन और संजय दत्त एक साथ कितने क्लोज हैं और उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, तो दोस्तों इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक ऐसी खबर जो आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू बायोपिक की। तो संजय दत्त की बायोपिक पर बनी हुई फिल्म संजू के अंदर अजय देवगन का एक अहम किरदार होने वाला था, लेकिन अब वो किरदार अजय देवगन की जगह परेश रावल करने वाले हैं। ये किरदार था संजय दत्त के पापा का, यानी कि सुनील दत्त का। ऐसे में अजय देवगन को ये किरदार सबसे पहले ऑफर किया गया था। राजू रानी चाहते थे कि अजय देवगन ये अहम किरदार निभाएं, लेकिन उस टाइम अजय देवगन ने सोचने में काफ़ी देर कर दी और ये किरदार जा पहुंचा परेश रावल के पास। और अब परेश रावल इस फिल्म में संजय दत्त के पापा के अवतार में नजर आएंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले लव रंजन ने एक फिल्म में अजय देवगन और रणबीर कपूर को साइन कर लिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि अजय देवगन और रणबीर कपूर की ये केमिस्ट्री, जो कि राजनीति के बाद दिखाई देगी, वो कितना कमाल मचा पाएगी। इससे पहले संजय दत्त की बायोपिक में भी ये जोड़ी हम सबको देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब ये जोड़ी हम सबको देखने को संजय दत्त बायोपिक में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अजय देवगन ये रोल करते तो ये रोल कितना अच्छा था, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करिएगा बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।